चलो ठीक है, 3D Index हमने फाइल डाउनलोड कर लिया, हमने ओपन कर लिया माया के अंदर। ठीक है, ये फाइल हमें ऐसे दिखेगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कैमरा एंगल थोड़ा सा डिसाइड करना है, मुझे दिखाना कहाँ पे। जैसे मुझे अगर यहाँ पे कुछ दिखाना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं आर्नोल में लाइटिंग करने जा रहा हूँ तो मैं आर्नोल में गया, लाइट पे गया, यहाँ पे बस क्या मिलने वाला है, ठीक है, लाइट में फिजिकल स्काई। अगर मुझे लगता है कि मैं आर्नोल पर काम कर रहा हूँ तो फिजिकल स्काई मैंने यहाँ पे ऐसे मैनेज कर दिया, क्लिक किया, देन रेंडर करके देखो यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बिना कुछ किए सिंपल एक लाइट लगाना, मेरे पास एक आउटपुट लग रहा है जहाँ पे देख मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाहर स्काई दिख रहा है यहाँ पे, चीज़ें मुझे मैनेज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, शेडो किस टाइप से आ रहा है, अभी मुझे इसके अंदर थोड़ा सा मैनेज करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो, ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये ए आई, ठीक है, अभी ए आई में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे गए लाइट में गए, अभी यहाँ पे मेरे पास एक आर्नोल्ड रेंडर व्यू भी होता है यहाँ पे, प्ले कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी सपोज हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो हम लोग यहाँ से बहुत से काम कर सकते हैं। कलर के अंदर यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे लिंक है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर आप थोड़ा सा प्ले करो यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे टाइम देना है, इंटेंसिटी देना है। इंटेंसिटी अगर आपको पता लगे, 2 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे डे के टाइम पे मुझे इंटेंसिटी ज़्यादा दिखा, तो मेरे पास वो चीज़ यहाँ पे विजुअल हो कि मैं यहाँ पे कितना करने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी स्काई टेंट, मुझे यहाँ पे पता स्काई टेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे एक एलिवेशन करके एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे, इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अभी देखो ये सिंपल से सीन में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई सुबह का है शाम का है, सिंपल इतने ही में मैनेज करना होता है। घड़ी से देखोगे तो 5 मिनट में एक सीन की लाइटिंग हो जाएगी आर्नोल में। ठीक है, बिना कुछ किए, ठीक है, यहाँ पर हमने किया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो इंटेंसिटी है इंटेंसिटी को मैं मैनेज कर लूँगा, इंटेंसिटी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और एलिवेशन यहाँ पे 0 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कलर अलग भी दिखेगा आपको यहाँ पे। ये चीज़ आपको समझना है कि मेरे पास यहाँ पे कलर वाइज चीज़ें अपने आप एक्सप्लेन कर देगा यहाँ पे। ठीक है, कलर के साथ में कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ यहाँ पे, धीमे धीमे आपके पास यहाँ पे। अभी अगर आपको चाहिए कि सपोज आपको चाहिए सुबह से शाम, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 पे गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एलिवेशन पे राइट क्लिक किया, सेट की कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी कितने अभी स्मूथ एनिमेशन करना है या फिर एकदम फटाफट करना है, इस डिपेंड ऑन यू। 24 फ्रेम बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मुझे अभी दिखाना है, तो मैंने क्या किया, 100 फ्रेम कर देता हूँ। ठीक है, 100 फ्रेम पे गए, एड डन फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जस्ट यहाँ से आते हैं, मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने जब मैनेज किया तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन तो सर आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, 90 है, 90 के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 180 करके देखो यहाँ पे, दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, 180 में आपको यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑटो की है यहाँ पर, राइट क्लिक मैं सेट की कर दिया यहाँ पे। देखो अभी जिसमें यहाँ पे गया तो देखो पहले मेरे फ्रेम कैसा है, देन मैं यहाँ पे जैसे मैं अगर देखो यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको एनिमेट कर दो, आपके पास प्रॉपर डे टू नाइट का सीन आपका रेडी हो जाएगा। सन आपके पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगी, वो मेरे कैसे क्या काम करने, किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं आप। ठीक, इसका प्रॉपर एनिमेशन भी निकाल सकता हूँ, ये तो मैंने अभी यहाँ पे प्लेबैक दिखाया, यहाँ पे चीज़ देखें, जब आप प्ले करोगे तो यहाँ पे ये एक ही फ्रेम पे आएगा, एक ही फ्रेम पे रीड करेगा यहाँ पे। तो आपको ऐसा लगेगा क्या, धीमे धीमे सन का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आराम से चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने एक फीचर बताया है, चैनल पे मैंने ये आर्नोल्ड के जो पूरा पैरामीटर है ना, पूरा एक पैरामीटर को मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है कि किससे क्या होता है, कैसे क्या काम करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्यों, पेशेंस है आपके अंदर तो आप कोई भी काम कर पाओगे। लाइटिंग तो और पेशेंस वाला काम है, क्योंकि लाइटिंग जब आप करने वाले तो उसमें क्या मिलेगा आपको, आपको चीज़ आपको अलग से देखने को मिलेगा भाई, आपको रेंडर में टाइम लगेगा। और खासकर आर्नोल्ड में अगर मैं इसी के एक अगर रेंडर में अच्छा सा रेंडर लगा दूँ, बढ़िया सा रेंडर लगाऊँ, तो 1 ही घंटे भी लगता है एक रेंडर को। ठीक है, अभी ये सिंपल सी चीज़ नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ को सीन छोटा है, सीन छोटे के बाद हम लोग यहाँ पे देखने को सीन में कैसे हमें चीज़ को दिखाना है, किस तरह से काम करना है, तो ये मैं फटाफट यहाँ पे दिखा रहा थी कैसा कुछ है। लेकिन अगर इसी का आप रेंडर निकालो ना अच्छी क्वालिटी में, अगर देखो यहाँ पे आपको सिंपल एक रेंडर दिखाता हूँ, यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ, मुझे इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ देखें, अभी देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ मैं लाइट एंगल क्या देना है। ठीक है, अभी आप ये देखो, ये सपोज मुझे यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ गुड, ये ठीक लग रहा है मुझे, मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, अभी यहाँ पे मैंने सिंपल सा पार्ट मैंने दिखाया। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने इसे पॉज कर दिया। अभी यहाँ पे सिंपल से सेटिंग में अगर आपको दिखाऊँ, नॉर्मल बेसिक सेटिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रेंडर सेटिंग पे गए। ठीक है, रेंडर सेटिंग पे गए, मैंने कैमरा नहीं लगाया, कैमरा आपको लगाना होगा, कैमरा आप लगा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल 1920 HD करो, 1920 ये आपका आ गया। ठीक है,
इसके बाद आपको आर्डिनो के अंदर बेसिक इन सेटिंग ज़्यादा, देखो ये कितना है 3 2 2 2 दिख रहा है हमें, ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 5 करके रखो, 5 5 5 5 5 ट्रिपल एस हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है यहाँ पे इतना काम में रखा जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं रेंडर करता हूँ तो टाइम देखना, टाइम आपको दिखाता हूँ, ठीक है लाइटिंग होगी, रेंडर निकल गया मैंने।